लेक्चर में पढ़े थे कि P इक्वल टू m बाई थ्री एन बाई वी यू आर एम एस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, गैसेस प्रेशर है। इसको हम पूरी अच्छे तरीका से डिटेल में स्टडी किए थे कि किस तरह से इसका आपको ये एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर आप वी स्क्वायर इक्वल टू ये वी टोटल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर कैसे लिख दे, ठीक है। ये देखिए, अगर ये x कंपोनेंट है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और वेलोसिटी का z कंपोनेंट है, इस सबको स्क्वायर करेंगे तो आएगा ना नेट वेलोसिटी। यही यूज किए थे यहाँ पे, वन था यानी कि एक पार्टिकल के लिए, वन स्टैंड्स फॉर एक पार्टिकल के लिए, पहली पार्टिकल के लिए, ठीक है। यही हम लोग यूज किए थे। एक बच्चे का क्वेश्चन था, होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यह सिंपल सा वेक्टर का सम है कि रिजल्टेंट क्या होता है कि वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और इसको हटाएंगे तो यहाँ से रूट आ जाएगा, तो ये वेक्टर का यहाँ पर सम है। तो ये था डॉट, इनका क्लियर हो गया। नाउ इस इक्वेशन में हम लोग जो लास्ट लेक्चर किए थे वहां पर स्मॉल एन लिए थे और अब कैपिटल एन ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, मानने मानने का यहाँ पर है, क्योंकि अभी स्मॉल एन का एक यूज आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन यूज करेंगे तब इसका यूज आएगा, इसीलिए हम लोग क्या किया यहाँ पे एन ले लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ सिंगल मोलिकुल्स है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, और यू आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है या फिर वेलोसिटी, इसका वैल्यू होता है रूट अंडर थ्री आर टी अपॉन एम। इतना हम लोग कर चुके हैं, अब ये प्रूफ करना है कि यू आर एम एस रूट अंडर थ्री आर टी बाई एम के बराबर कैसे होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहां पर देखिए, इसको समझना है यहां पर। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। इसी एन को अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल एन यूज कर लिए हैं, बाकी कोई बात नहीं है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ऑल्सो, और हमारे पास क्या एक इक्वेशन आया है, यहां से देखिए, यहां से पी इक्वल टू एम बाई थ्री एन बाई वी यू आर एम एस का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से पी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बाई थ्री एन और यू आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। वन और टू से क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल टू यहाँ पे एन आर टी है और यहाँ पर पी वी इक्वल टू ये है, तो देयर फॉर ये एन आर टी इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू एन बाई थ्री इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से यू आर एम एस कितना आ जाएगा, ये यू आर एम एस आ जाएगा आपका थ्री एन आर टी बाई एम इंटू एन। अब यहां से इसको थोड़ा सोल्व करना है, यू आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू, देखिये यहां पर ये एन क्या है, ये एन पी वी इक्वल टू एन आर टी में एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं। अब जो गैसेस सिस्टम था हमारे पास, उस गैसेस सिस्टम में कितने मोलिकुल्स थे, एन मोलिकुल्स थे। ये टोटल जो गैसेस था उस गैसेस में कितने मोलिकुल्स थे, एन मोलिकुल्स थे, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स। तो देखिए एन मोलिकुल्स है, ये एन मोलिकुल्स कितना मोल के बराबर होता है, एक मोल में कितना होता है, एन नॉट, एवोगाड्रो नंबर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, एन नॉट होता है। तो मोल कितना आ जाएगा, एन बाई एन नॉट, ये मोल आएगा आपका। ये एन नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पर एन नंबर ऑफ मोलिकुल्स है, और इसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा, क्योंकि एक मोल में वन मोल जो है, वन मोल में एन नॉट होता है, ठीक है, यानी कि एन नॉट पार्टिकल वन मोल, तो एन पार्टिकल कितना मोल, एन अपॉन एन नॉट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई एम और एन के जगह पर एन बाय एन नॉट, ठीक है, इंटू आर टी बाई एन, यहां से आ गया, एन से एन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां सब क्या आ गया, यू आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू थ्री आर टी बाई एम इंटू एन नॉट। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एम क्या है, एम है मास ऑफ द सिंगल मोलिकुल्स, एक मोलिकुल्स का मास एम है, और एन नॉट क्या है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर यानी कि वन मोल। तो एक पार्टिकल का मास एम है, तो एन नॉट पार्टिकल से अगर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये तो टोटल एक मोल का मास निकल गया, तो इसकी इसको हम लोग लिखते हैं मोलर मास, ठीक है, थ्री आर टी बाय कैपिटल एम लिख देते हैं। तो यू आर एम एस इक्वल टू, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर थ्री आर टी बाय एम, यहां से ये आ गया आपका, जहां पर एम क्या है, दिस इज द मोलर मास, यहां पर एम क्या है ध्यान रखना है, ये क्या है,
मोलर मास से, ठीक है। और मोलर मास किसके बराबर होता है, एक पार्टिकल का मास m, तो n नॉट पार्टिकल यानी कि एवोगाड्रो नंबर जो एक मोल में कितना नंबर होता है, n नॉट एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 6.023 × 10²³ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या है, मोलर मास है, ये आपका प्रूफ हो गया। यही हमारा टॉपिक था कि इसको यू आर एम एस रूट अंडर 3 RT/m के बराबर कैसे होता है, ठीक है। होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूला को लेकर। यहाँ पर देखिए रूट अंडर 3 RT/m हम क्या जानते हैं, PV=nRT, और आप ये भी जानते हैं कि PM=dRT, ठीक है, PM=dRT। तो यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम लोग लिख देंगे कि URMS=√, और यहां पे कितना है 3 RT, तो 3 और RT के जगह कितना आ जाएगा, PM/d आ जाएगा, और नीचे कितना है m है, कि m से m कैंसिल, देयरफॉर यहां से कितना देगा रूट अंडर 3P/d। यहां पर d क्या है, डेंसिटी है, तो ये भी इक्वेशन आता है रूट अंडर 3P/d, ये भी जो है आपके पास इक्वेशन आ जाएंगे। तो इस तरीका से भी इसको लिख सकते हैं, और बाकी कई अलग अलग फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है। नाउ एक और फॉर्मेट इसका देखिए, जैसे कि URMS है, URMS कितना है रूट अंडर 3 RT/m मोलर मास, ठीक है। अब यहां पर देखिए रूट अंडर 3 और RT और m मोलर मास कितना हो जाएगा, m × n0 होगा, मोलर मास m × n0, ठीक है, ये मोलर मास आ गया, एक मोल का मास है ये, इसके बराबर है, एक मोल का मास ग्राम पर मोल, ये एक मोल का मास है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए यहां पे रूट अंडर 3, देखिए R/n0 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आर भी कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और n0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, इन दोनों का रेशियो जो होता है इसको हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं, इसको जानते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, इन जनरली किसे नोट करते हैं, के से, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं किससे, के से करते हैं। तो R/n0, ये जो है R/n0, इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं टी, और नीचे में क्या बच गया, स्मॉल एम बच गया। URMS को हम लोग इस तरीका से भी लिखते हैं रूट अंडर 3 KT/m। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो m होता है वो कैपिटल m मोलर मास होता है, और यहाँ पर जो होता है वो स्मॉल m होता है, और इसका मतलब होता है मास ऑफ सिंगल मोलिकुल्स, मास ऑफ सिंगल गैसेस मोलिकुल्स। तो ये भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये भी यूज किया जाता है, और ये तो है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीका से URMS का कई तरीका से यूज किया जाता है, ठीक है, नोट कर ले इसको। नाउ अब आगे है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज। अगर किसी कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है, ये हमको अब निकालना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज ये किसके बराबर होता है, या फिर किसी भी चीज का काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, अगर सिंगल पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल का हमको निकालना है, यहां पर सिंगल पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल या फिर सिंगल गैसेज मोलिकुल्स, गैसेस मोलिकुल्स, सिंगल गैसेज, इसका कितना होगा, ½ m और URMS का होल स्क्वायर, ठीक है, URMS ½ mv². तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी यहां से कितना आ जाएगा, एक मोलिकुल्स का ½ m, और u कितना है, यहां पर रूट अंडर 3 RT/m, तो रूट अंडर 3 RT/m का होल स्क्वायर, यहां पर m क्या है, मोलर मास। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सिंगल मोलिकुल्स का ½ m × 3 RT/M, ठीक है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा यहां से 3/2 m RT, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m को, इस m को लिख सकते हैं m × n0, यहां पर m क्या है, ये मोलर मास है, और मोलर मास क्या हो जाएगा, m × n0 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 3/2 R/n0, इसको लिखा जा सकता है, और × t, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 3/2, और R/n0 क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो इसको हम लोग k से नोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आएगा 3/2 kT, जहां पर वेयर k इक्वल टू क्या है, यहां पर k है आपका, यहां पर लिख देते हैं हम कि k यहां पर क्या है, R/n0 है, और इसको हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट।
और इसका वैल्यू होता है, आर का वैल्यू आप रखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का और एवोगाड्रो नंबर का रखेंगे, इसका रेशियो निकालने के बाद ये आ जाएगा 1.38 × 10⁻², और इसका यूनिट होगा आपका जूल केल्विन पर मोल। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी निकला है वो सिंगल गैसेस मॉलिक्यूल्स का, एक गैसेस मॉलिक्यूल्स का निकला है, तो एक मोल का कितना निकलेगा? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, अगर एक मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT निकला है तो वन मोल का कितना होगा? तो एक मोल में कितना पार्टिकल होते हैं? एक मोल में एन नॉट पार्टिकल होते हैं। इसको आप, इसको क्या करो, आप जो सिंगल का है उसको एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से समझना है कि ये किसका है, सिंगल मॉलिक्यूल्स का है, एक गैसेस मॉलिक्यूल्स का है। तो अगर आपको एक मोल में निकालना है तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एन नॉट पार्टिकल्स, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/2 kT और इसको एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको सोल्व करें तो 3/2, अच्छा के जगह पे फिर से लिख सकते हैं आर अपॉन एन नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और एन नॉट तो यहाँ पर है, ये एन नॉट कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3/2 RT आ जाएगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है ये वन मोल्स के लिए आया है, अगर एक एक मोल है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 3/2 RT के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एन मोल्स के लिए कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स, ये एन मोल्स के लिए कितना आएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा 3/2 RT × n, यानी कि जो n है उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT n के बराबर। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल्स, दिस इज द वन मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड दिस इज द n मोल्स, ये n मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी। यहां पर क्या क्लियर दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोर्शन है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स से आपके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ये आर क्या है, ये आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, 3/2 तो कॉन्स्टेंट ही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीधा का सीधा किसके, टेम्परेचर के। और ये हम एजम्पशंस में भी देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होता है, फिर एवरेज